Everyone has not joined yet. There are 36 people yet here. Anyway, let us continue. Let us understand what do we do next. The next is that we need to somehow find, we need to become hikers and find an easy way to move across the difficult path, the uphill path of making career. So for this, I have made a one diagram. It is the kind of a current trends, the kind of patterns or the opportunities which are waiting for you. And you need to understand this circle in a very good manner, with a deep understanding, so that you are able to identify the opportunities which are which are going around right now. And this wheel, the round circles which I have drawn over here, are valid for next 4 or 5 years. And using this guiding tool, this infographic, you can build a career. The first thing which you need to understand is that there are basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of opportunities which are waiting for you. And these 6 types of opportunities are, I have named them acceleration, cyclicity, redirection, divergence, convergence, and reduction. Now, these 6 opportunities I will one by one discuss, and you please pay attention to this diagram so that you understand what are the possible opportunities which are coming way. As I was discussing about acceleration, what do you mean by acceleration? And what are the career opportunities in acceleration? The first opportunity in acceleration is the concept of prosumerism. Everybody knows what is consumerism? Sabko pata hai consumer kya hota hai? Yes, sir. Okay, sabko ye pata hai producer kaun hota hai? Yes, sir. Koi aisa banda jo cheeze banata hai ya industry hai na, jo koi cheez manufacture karta hai usko kya kahenge? Producer. Producer. जो कंज्यूम करता है हमारे जैसे लोग उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर। सो आज का जो जमाना है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो है प्रोस्क्यूमर की। मतलब क्या हुआ इसका? आपने खुद ही प्रोड्यूस करना है और खुद ही कंज्यूम करना है, और अगर उसमें से आप कुछ सीखो तो उसमें से आपने करियर बनाना है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। बींग एन इंजीनियर यू विल हैव अ टेक्निकल एक्यूमेन। Let us say, for example, you are able to capture rain water. क्या किया आपने capture? Rain water. बारिश का पानी को capture करा और अपने घर में इस्तेमाल किया उसको साफ करके, तो आप क्या बन गए? Producer of water. क्या किया आपने? आप क्या बन गए? Producer of water. जो पानी government पैदा करती थी या दूर से कहीं से river से लेकर आती थी, आप लोग जम्मू में हो तो मैं आपको बता दूं, जम्मू तवी नाम की वहां पे एक रिवर है कि नहीं है? यस यस। हाँ, वहां से पानी आता है आपके घरों में। तो मान लो आपको जम्मू तवी की बजाय से आप अपने घर में ही पानी इकट्ठा कर लेते हो और खुद ही कंज्यूम करते हो, तो इस चीज को क्या कहेंगे? प्रोस्क्यूमर। क्या कहेंगे? प्रोस्क्यूमर। तो इसी तरह सपोज करो, अगर आप घर में सोलर पैनल लगा के खुद ही एक अपनी बिजली पैदा कर लेते हो और खुद ही कंज्यूम करते हो और जो सरप्लस है वो अपने पड़ोसियों को बेच देते हैं, तो आप क्या बन गए? प्रोस्क्यूमर। नाउ तीसरा एग्जांपल, सपोज करो आप अपने घर में जो अपना किचन वेस्ट है उससे खाद बनाते हो और कुछ खाद खुद रख लेते हो और खुद कुछ खाद जो है वो बाजार में बेच देते हो, तो आप क्या बन गए? प्रोस्क्यूमर। तो इसी तरह अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हो या कोई गैजेट बनाते हो जिसको आपको खुद को बहुत पसंद है, आप खुद यूज करते हो और उसको आप फिर बेच भी पाते हो, तो आप क्या बन जाओगे? प्रोस्क्यूमर। है ना? तो आपने कई बार देखा होगा किसी ने कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई या कोई हार्डवेयर एप्लीकेशन बनाई
उसने बनाई तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उसको कमर्शलाइज कर गया और फिर उसको बेच दिया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोस्क्यूमरिज्म। क्लियर? यस सर। और आगे क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी किसमें है, क्या चीज है कि कुछ लोग, यू मस्ट हैव सीन कि सम पीपल से कि आई हैव 30 इयर्स एक्सपीरियंस या 40 इयर्स एक्सपीरियंस इन दिस, लेकिन आज की डेट में 30 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस डज नॉट रियली अकाउंट, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू बिजनेस सिनेरियोज, नए तरह का जमाना आ जाता है और वो 25-30 साल का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है। तो आज का जमाना क्या है कि यू नीड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्किल एंड विजावी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और यू बिकम अ फैसिलिटेटर और अ कैटलाइजेशन, यू मस्ट बिकम अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होता है, जैसे अमरीक सर इज अ कैटलिस्ट ओवर हियर, वो आपकी ग्रोथ में, और कॉलेज इज अ कैटलाइजेशन फैसिलिटी, एक आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है फर्दर आपके करियर को बिल्ड करने में। सो कैटलाइजेशन सर्विसेज में अब आपका बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। कैटलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज में एक और एग्जांपल है, जैसे कोवर्किंग स्पेसेस। कोवर्किंग स्पेसेस का क्या मतलब हुआ, सपोज करो मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूं, मैं रहता तो दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिंपली कहता हूं यार एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं इस बार ही कश्मीर चलते हैं और कश्मीर जाके 10 दिनों के लिए जावा सीखेंगे या पाइथन सीखेंगे, बूट कैंप करेंगे। क्या करेंगे हम वहां जाके, जावा या पाइथन सीखेंगे, कहां जाके सीखेंगे, रहता मैं दिल्ली में हूं लेकिन उनको मैं कह रहा हूं कश्मीर पाइथन का कश्मीर में बूट कैंप करेंगे। तो ये क्या किया मैंने, इवेंट मैनेजमेंट भी करी, लोगों की हेल्थ भी चेंज करी और लोगों का करियर बनाया। क्या किया मैंने, लोगों की हेल्थ भी अच्छी करने की कोशिश करी क्योंकि कश्मीर में पोल्यूशन कम है दिल्ली से। तो ये क्या एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटलाइजेशन। क्या एग्जांपल है, और मैंने क्या किया, मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं ट्रेनिंग, लेकिन साथ में 2-3 चीजों को और लेके एक ही चीज को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रीइमेजिन कर रहा हूं सॉल्यूशंस को, दोबारा से जावा पढ़ाने का तरीका या ट्रेनिंग देने का तरीका मैं नए तरीके से कर रहा हूं। तो उस चीज को क्या कहेंगे, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रीइमेजिनिंग द सॉल्यूशंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू विल ओनली गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, you will only get a sustainable career opportunities if you are able to think with in terms of catalyzation. ab catalyzation ka ek aur example dekho ki aaj kal bahut sare universities, colleges, iits incubation center kholti hain. kya kholti hain, incubation centers, incubation center of excellence. aapke college mein bhi center of excellence khula hua hai. center of excellence ka kya matlab hota hai कि आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को के ऊपर या एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर थोड़ी देर आप काम करते हो और कुछ स्टूडेंट्स को लेके, ग्रुप ऑफ पीपल को लेके उनको ग्रूम करते हो, उनको पढ़ाते समझाते हो और समहाउ दे आर एबल टू कमर्शलाइज या अपना करियर या अपनी कंपनी बना पाते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस सर। तो आज का जो करियर है वो एकदम कॉलेज से ही स्टार्ट हो जाता है, स्टूडेंट स्टार्टअप से स्टार्ट हो जाता है। किससे स्टार्ट हो जाता है, स्टूडेंट स्टार्टअप से ही। स्कूल और कॉलेजेस ही आजकल कैटलिस्ट का काम कर रही हैं, इंक्यूबेशन का काम कर रही हैं, एक फैसिलिटेशन का सेंटर का काम कर रही हैं, एंड दे आर नाउ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट हाउसेज कंसल्टेंसी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टूडेंट दैट यू स्टार्ट अ स्टूडेंट स्टार्टअप राइट नाउ, आने वाले 6 महीनों 1 साल में अपनी टीम बना के स्कूल और कॉलेज में ही
यू कैन स्टार्ट अ करियर एंड शोकेस योर करियर. आगे मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा आप कैसे कर सकते हो. दूसरा, आपको पता ही है जो आने वाले दिनों का जो जमाना है, जो नेक्स्ट ईरा इज, इट इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज यू कैन बेसिकली हैव अ सस्टेन्ड करियर. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सीलेट करियर. द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर इज द फर्दर अपॉर्चुनिटी. और अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? अपॉर्चुनिटीज और वहां है जहां पे हम हाइपर टारगेटिंग करें, हाइपर टारगेटिंग या हाई लेवल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स के ऊपर काम करें. ऐसी कंपनीज जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स के ऊपर काम करती हैं, वहां पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. और वो हाइपर टारगेटिंग कंपनी कौन सी है या रिकमेंडेशन सिस्टम्स कौन सी है? वो कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आपको जो कंज्यूमर है उसको जो सर्विसेज देने की कोशिश कर रही है. जैसे आपने देखा होगा गूगल आपको बहुत सारी चीजें सजेस्ट करता रहता है. क्या करता रहता है? आपने 10-12 चीजें तरह के आपने मान लो कोई सर्च करी या आपने गाने सुने, तो आपको थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसी तरह की चीजें वो आपको रिकमेंड करनी शुरू कर देती हैं. तो इस चीज को क्या कहते हैं? हाइपर टारगेटिंग. तो जो टेक्नोलॉजीज, जो फैसिलिटीज, दोस थिंग्स विच आर हेल्पिंग यू टू टारगेट द कंज्यूमर विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देर आर जॉब्स इन दैट. देर आर मल्टीपल जॉब्स इन दैट. जैसे लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस. व्हाट आर लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस? जैसे मान लो आप कहीं पे अपने जम्मू में नानक नगर के पास कहीं चलते जा रहे हो, वॉक करते जा रहे हो, और आपको कोई पर्टिकुलर वहां पे कोई दुकान ढूंढनी है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर आइटम ढूंढ रहे हो या प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तो बजाय के आप किसी से पूछे, आप सिंपली गूगल से या लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन से पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज चाहिए और ये कहाँ मिलेगी जहां मैं खड़ा हूँ. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्गुमेंटेड रियलिटी. किसका एग्जाम्पल है ये? आर्गुमेंटेड रियलिटी. और ये आर्गुमेंटेड रियलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के बगैर नहीं होगी, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाएंगे जो लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो इस तरह की चीजें डिजाइन करेंगे, और वो क्या कहते हैं, इस तरह की चीजों को वो लोकेट कर पाएंगे और उसका डेटाबेस बना के आपको ये चीजें प्रेजेंट कर पाएंगे. सो एट द सेम टाइम जब हम कोई चीज को रिड्यूस करते हैं या हम सिंप्लीफाई करते हैं, उन चीजों में बहुत पैसा है आज की डेट में. जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि दुनिया में करियर कैसे बनाना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी चीजें बहुत धुंधली हैं, क्लियर नहीं है, हमें समझ नहीं है. वी रियली डू नॉट अंडरस्टैंड वेयर डू यू वांट टू, वेयर वी वांट टू गो एंड हाउ वी वांट टू मेक करियर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देयर इज लॉट ऑफ मनी इन मेकिंग थिंग्स सिंप्लीफाइड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स कोई चीज चलानी है, कोई गैजेट है या कोई चीज है, कोई चीज है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, कार चलानी आज की डेट में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है कि नहीं हो गई? दिल्ली जैसे शहर में कार चलानी बहुत कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? यस सर. क्योंकि रास्ता ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है. तो अब कंपनियां पैसे कैसे बनाएंगी? वो ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार्स बना रही है, गियरलेस कार्स बना रही है. अभी इंडिया में क्या आ गया? गियरलेस कार आ गई है. आगे नहीं आ गई? बीच में मोटरसाइकिल ऐसे आए थे, स्कूटर ऐसे आए गए जो बटन दबा के स्टार्ट होते थे. तो उन्होंने क्या किया? स्टार्टअप को सिंप्लीफाई कर दिया. क्या कर दिया? सिंप्लीफाई. और जो अभी जो कारें आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है, उसको क्या कह रहे हैं? वो भी चीज सिंप्लीफाई हो गया ना, कि आपने सिंपली नेविगेट करना है स्टीयरिंग को पकड़ के. तो ऐसी कंपनीज जो चीजों को सिंप्लीफाई कर रही हैं, उन चीजों को वहां पे आपकी जॉब्स हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. सो कैन यू सजेस्ट मी वन कंपनी व्हिच इज सिंप्लीफाइंग थिंग्स इन योर एरिया? और छोटी सी कंपनी हो, चाहे 2 कमरों की कंपनी हो, कैन यू गिव मी एग्जांपल? चलिए मैं देता हूं. यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में
कपड़े धोने की दुकानें खुल गई हैं। कपड़े धोने की दुकानें तो पहले भी थी, धोबी करते थे, लेकिन अब फुली ऑटोमेटिक मशीन्स लग गई हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स लग गई हैं। आपने सिंपली वहां पे खुद जाना है और वहां पे कपड़े देने हैं और वो आपके धुल के प्रेस होके आ जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिंपलिसिटी एंड फैसिलिटी है कि नहीं है? Yes, क्या सिंपलीफाई किया उन्होंने? और कपड़े धोने कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए हैं? कपड़े धोने कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए हैं जानते हो? क्यों हो गए? और कब से उन्होंने कॉम्प्लेक्स? कपड़े ज्यादा हो गए हैं क्योंकि हमारे घर में किसी के पास क्या है? कारपेट है। टाइम ही नहीं है। एक तो टाइम नहीं है और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। अब कारपेट को धोना मुश्किल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पर्दों को धोना मुश्किल है कि नहीं है? कोट yes, जो कपड़े लहंगा जो है इनको धोना मुश्किल है कि नहीं है? yes. क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव बने हैं और ऊपर से खराब हो जाएंगे, और हर एक के लिए अलग अलग तरह का डिटर्जेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हो चुकी है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जैसे किसी ने अभी बताया कि टाइम की प्रॉब्लम है, तो जो कंपनी सिंपलिसिटी सिंपलीफाई करें चीजों को, वहां पे आपका बेसिकली क्या है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और इसी तरह क्राउड सोर्सिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। अब क्राउड सोर्सिंग का मैं एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूँ। जैसे गूगल अभी क्या करेगा, सभी आम लोगों को गूगल अभी भी क्या करता है, सजेशन मांगता रहता है आपसे, मुझे इसके बारे बता दो, इसके बारे बता दो। तो वो क्या कर रहा है? क्राउड सोर्सिंग ही कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज जो क्लाउड सोर्सिंग करें, क्राउड सोर्सिंग का मतलब है बहुत सारे लोगों का दिमाग यूज करके, बहुत सारे लोगों की लेबर यूज करके कोई चीज बनाए, हजारों लोगों की, हजारों भी नहीं मिलियंस ऑफ लोगों की चीजें यूज करके, उनका दिमाग यूज करके कुछ चीजें बनाए, वहां पर जॉब्स हैं। तो आप कोई सजेस्ट कर सकते हो कोई कंपनी जो ऐसे कर रही है? गूगल तो एक नाम है, फेसबुक एक है, ट्विटर एक है, जो हजारों लोगों के कारण वो लोग पैसा बना सकते हैं। टेस्ला है? टेस्ला सर, जो हजारों लोगों टेस्ला क्या कर रही है? हजारों लोगों की सर बना रही है, आइडियाज मांगते हैं सर, डिफरेंट जो उनके प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल महिंद्रा हमारी एक हिंदुस्तानी कंपनी है, उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन खोला हुआ है जो लोगों से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और प्रोडक्ट बनाती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। उनका काम है रेगुलर लोगों से इनपुट लेना, आइडिया लेना और उसको सिंप्लीफाई करके कुछ बनाना। दूसरा, आज की डेट में जो ट्रेंड है, कहाँ पे नौकरियां हैं? वहां पे नौकरियां हैं जहां पे कुछ लोग पुराने जमाने की चीजों को नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, या अलग अलग जनरेशन को अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग चीजें बना रहे हैं और बुजुर्गों के लिए अलग बना रहे हैं, ऐसी जगहों पे नौकरी है। कहाँ पे है? जहां पे लोग अपने पुराने जमाने को याद करके, या वो चीज जो नहीं थी वो नहीं, वो अब इस जमाने में नहीं है, उनको वो चीज प्रोवाइड करके वो दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करके दे रहे हैं। किस तरह दे रहे हैं? किसी ना किसी नए रूप में, किसी न किसी नए मॉडर्न रूप में। तो वो चाहे उनको पुराने तरह के कपड़े हो, चाहे पुराने तरह के घर हो, चाहे पुराने तरह के रेडियो, आपने सुना होगा वो एक रेडियो प्रोडक्ट है, कारवां। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रो प्रोडक्ट, और या इसको रीसाइकल इंडस्ट्री, रीसाइकल प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? या जनरेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जो उन लोगों को जो 1970-80 में पैदा हुए थे, 90 में पैदा हुए थे, उस जमाने के गाने सुनते थे, लेकिन आज के जमाने के गाने नहीं सुनते, तो उसके लिए है। आप समझे बात? Yes. और yes, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप ये समझो कि एक
एक एक इंग्लैंड में रिसर्च हुई थी, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करके एक ले गए, एक गांव में ले गए और उनको उनके जमाने के घर में रखा और उनके जमाने के गाने सुनाए, तो उनमें से 12 लोगों की उम्र में एक होती है बर्थ एज, एक होती है बायोलॉजिकल एज, तो उनकी बायोलॉजिकल एज इंक्रीज कर गई 12 सालों से। क्या हो गई? 12 सालों से उनकी एज इंक्रीज कर गई। कैसे इंक्रीज कर गई? क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हेल्दी फील होना करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पुराने जमाने का नॉस्टैल्जिया, पुराने जमाने की जो चीजें थी उस सेम सेटअप में उनको रखा गया, तो उनकी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। सो सिमिलरली जो पुराने जमाने के लोग हैं या जो नए जमाने के लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सब चीजें नेचुरल चाहिए। क्या चाहिए? नेचुरल। नेचुरल चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसी स्टेज पहुंच चुकी है कि जो केमिकल और सिंथेटिक चीजों से जो चीजें बनती हैं उनकी ऊपर अब लोगों को समझ आ गया कि हमारे को ये चीजें नहीं खानी, नहीं पीनी, इनको नहीं इस्तेमाल करना। सो द ट्रेंड राइट नाउ इज टू मेक करियर इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन मेकिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो अब जमाना किसमें है? इंजीनियर्स की कहां जरूरत है? तो वो लोग घर बना रहे हैं बायो या इकोलॉजिकल या इको कॉम्पोजिट्स बना के। क्या बना के? इकोलॉजिक कॉम्पोजिट्स बना के। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो गोबर की ईंटें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? काउडंग की ईंटें बना रहे हैं। तो वो क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉम्पोजिट। क्या मतलब है इसका? नेचुरल कॉम्पोजिट, आपने सुना होगा एक कटलरी आती है जो एडिबल है, जिसको हम खा सकते हैं। सुना है आपने कि नहीं सुना? मतलब चम्मच, टेबल, चम्मच, प्लेट, कप, सब कुछ जो है वो किस तरह आता है? उसको आप उसमें खाना भी खाओ और ऑटोमेटिकली उसमें से उसको बाद में आप एज एडिबल भी, एडिबल मींस उसको बाद में आप खा भी सकते हो। तो बायोप्लास्टिक्स का जमाना है। क्या? किसका जमाना है? बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? बायोप्लास्टिक्स एक ऐसी चीज होती है जो बायोलॉजिकल मतलब जिंदा चीजों से बनी होती है, नेचुरल चीजों से बनी होती है। सो इफ यू वॉन्ट टू मेक करियर नाउ एज ए इंजीनियर, तो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप ये बायोप्लास्टिक्स के आसपास अगर आप देखो तो हर फील्ड में, हर हिस्से में उसके आप फिट होते हो कहीं ना कहीं अपनी करियर बनाने के। जो लोग मैकेनिकल वाले हैं फॉर एग्जांपल, वो मशीनें बनाएंगे जो बायोप्लास्टिक की मास स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो लोग उसमें हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, वो ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं या ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बायोप्लास्टिक्स को बेचने में और उसको प्रोपोगेट करने में हेल्प करें। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इन ईच एस्पेक्ट, ऑफ नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइन यू कैन मेक करियर एज ए इंजीनियर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दूसरा एक और इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं यूथफुलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वो है कि नोबडी वांट्स टू नाउ डाई ओल्ड, नोबडी वांट्स टू डाई सिक। सो नाउ देर आर न्यू टेक्नोलॉजीज, देर आर न्यू वेज फॉर मेकिंग पीपल यूथ फील यंग। सो ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये दीज आर टेक्नोलॉजीज ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइंसेज। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और लाइफ साइंसेज वाले लोग कट्ठे मिलके काम करके ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी इंडस्ट्री बना रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसी मशीनें बना रहे हैं, ऐसे इक्विपमेंट बना रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो बायोलॉजिकल इनपुट्स दे रहे हैं इन मशीनों को बनाने के लिए, और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ऐसे प्रोडक्ट्स को और एक्यूरेट और जो है जो सटीक बना रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। So similarly, there are new kinds of opportunities as such. मैं अभी अपना session यहीं पर रोकता हूँ।
बिकॉज ऑलरेडी 2:07 हो गए हैं, मुझे कहा गया था कि 2 बजे तक करना है, तो इसमें जो कुछ पार्ट बचा हुआ है वो हम लेटर ऑन दोबारा से कभी किसी सेशन में हम कवर कर लेंगे. अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ. अभी मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 10 मिनट देना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो प्लीज पूछ ले. कोई बच्चा अपने करियर के बारे अभी कुछ डाउटफुल है और आपका कैसा लगा आपको ये सेशन, ये मुझे प्लीज फीडबैक दें. बहुत ही अच्छा सर. बढ़िया सर. थैंक यू सो मच सर. हमको बहुत अपने आप नाम बोल के प्लीज क्वेश्चन बोलें. मन्नत आप बोले थे. गुड आफ्टरनून सर. सो एक्चुअली बीइंग एन सीएससी इंजीनियर हमको बोलते हैं कि आप अगर जम्मू में रहेंगे तो आपको जॉब्स नहीं है, तो इज इट ट्रू? बट हम लोग अगर खुद देखें तो आगे आने वाले टाइम पे बहुत डेवलपमेंट दिख रही है, बट जो हमारी सोसाइटी है वो हमें बोलती है कि आपने अपना पाथ जो है वो गलत चूज किया है, आने वाले टाइम पे आपको शायद फायदा ना हो. आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं वही समझा रहा हूँ आपको. ये जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं इसमें एक चीज क्लियर हो जाओ, डॉक्टर्स अब जो जमाना है, डॉक्टर्स अकेले काम नहीं कर सकते, इंजीनियर्स अकेले काम नहीं कर सकते. अब कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो सब इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है. सबको एक दूसरे से इनपुट लेने की जरूरत है. और अब कोई कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बाहर, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी चाहिए, उसको कंप्यूटर इंजीनियर भी चाहिए, और उसको डॉक्टर्स की भी जरूरत है, उसको एग्रीकल्चर वाले की भी जरूरत है, क्योंकि तभी वो कई 4-5 चीजों से इनपुट लेके कोई नया प्रोडक्ट बना पाएगी, नया क्रिएटिविटी कर पाएगी और आगे चल पाएगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अब अपना जो व्यू है वो नैरो नहीं रखना क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ. आपको एक चीज क्लियर है, सारे बच्चे अपने अब बांध लो, ये लिख लो अपने ऊपर, और हो सके तो अपनी बॉडी पे टैटो बना लो. आपने अपने आप को ये नहीं लिखना जो पिछली जनरेशन थी, अपने आप को लिखती थी मैं इंजीनियर हूं, तो वो लिखते थे ईआर, मैं इंजीनियर हूं. अब आपने आपको लिखना है आई एम अ क्रिएटर. क्या लिखना है आपने आपको? आई एम अ क्रिएटर ऑफ थिंग्स. And to create things, I can be an engineer, I can be anybody. तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, you have to be producer of new things, producer of new services. तो वो value addition तभी होगी अगर आप creator, अपने आप को as a creator सोचेंगे. जैसे भगवान चीजें बनाता है वैसे अपने आप को सोचेंगे कि मैं चीजें बनाने वाला हूँ, मैं services देने वाला हूँ, तो आप इस जिंदगी में अच्छे से चल पाओगे, समझ पाओगे. जो आपका लेवल है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, उस लेवल पे आप सोचने का कोई फायदा नहीं है. बहुत सारी कंपनीज के लिए अब डिग्रीज भी कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, और अगर आपके पास डिग्री है भी तो वो एंट्री पॉइंट है. दूसरी बात, आज की डेट में कौन सी प्रॉब्लम पे आपने काम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपकी डिग्री पे, डिग्री किए हुए पे. स्किल्स इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है और बहुत रिसोर्सफुल आप किसी चीज में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ये COVID-19 के पेंडेमिक में मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेरिका से यहाँ आया था, लॉकडाउन में यहाँ फंस गया, लेकिन उसने यहाँ पे रह के जियो स्पेशल एक एप्लीकेशन बनाई और वो हरियाणा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर ली. जियो स्पेशल एप्लीकेशन क्या होती है? जियो मीन्स ज्योग्राफी, स्पेशल मीन्स जगह. तो कहाँ कहाँ पे लोग कोविड से इफेक्टेड है, तो वो जो पहली एप्लीकेशन आई थी हरियाणा में वो मेरे फ्रेंड ने बनाई थी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. वो जो मेरा फ्रेंड है वो एनवायरमेंटल इंजीनियर है, लेकिन उसको इनपुट कहाँ से मिला? डॉक्टर ने बताया कि अगर उसको ट्रैक करना है तो उसको क्या क्या चेक करना है, उसके सिम्टम्स क्या चेक करने हैं, तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो 3-4 जगह से इनपुट लेके उसने जियो स्पेशल एप्लीकेशन बनाई. आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो अगर वो अपने आप को सोचे कि मैं सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियर था और मैं
सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं या मैं ये चीजें नहीं कर सकता, ये नहीं समझ सकता, तो ऐसा नहीं है। उसने यहाँ के कुछ नया क्रिएट किया और प्रो रोना, और उसको जो खट्टर गवर्नमेंट ने, हरियाणा की गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया और वो जो जो सब लोगों को वो जो है वो एप्लीकेशन अडॉप्ट करने को कहा गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर, यस सर। अब जो जो आपको मेन मैसेज इस वर्कशॉप का ये होना चाहिए कि आई हैव टू बी अ क्रिएटर, अ थिंकर, तो नॉट जस्ट एन इंजीनियर, नॉट जस्ट अ डॉक्टर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। कोई और क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, जो मैंने ये बात कही है कि यू हैव टू बी क्रिएटर, इससे क्या समझ आया आपको? कोई बताएगा इससे क्या समझ आया आपको? नई अपॉर्चुनिटीज सर सीख करनी है, कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया प्रोडक्ट करेंगे तभी सरवाइव करेंगे मार्केट में। बिल्कुल, और जो क्रिएटिविटी है, जितने बोलिए बोलिए तो जितने ज्यादा हम क्रिएटिव होंगे उतनी ज्यादा हमारी वैल्यू होगी। बिल्कुल, हर चीज में, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, किसी चीज में स्किल्स होने चाहिए सर, है ना? हाँ, स्किल्स। बिल्कुल ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अभी जो वर्कशॉप में आपको एग्जांपल्स दिए गए वो पहले पता थे आपको? कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपको वर्कशॉप अटेंड करके? यस सर। क्या समझ आया? यस सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। चलो, ऑल द बेस्ट अमरीक सर, सिमरप्रीत। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, बस आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, लेट अस फिनिश दिस सेशन राइट नाउ। स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू आस्क व्हाटएवर दे वॉन्टेड टू आस्क। थैंक यू पुनीत सर, लाइटिंग द टेक्नोलॉजिकल पाथ टू आवर स्टूडेंट। द स्टूडेंट वर, मेनी ऑफ द स्टूडेंट वर इन डिलेमा दैट वेदर द ब्रांच वी हैव सेलेक्टेड विल बी very explained and given lots of detail of lot of opportunities, so that instant has to be there in every person, every student, so that they think themselves as a creator rather than as a job seeker. So thank you very much once again from on behalf of MBS College. Now Simran ma'am, you can conclude please. Thank you. Yes sir, thank you so much sir, thank you Puneet Arora sir, for the wonderful I would say that this session was a reality check for our students. From before entering only they got a wonderful reality check from your side, and we really appreciate your valuable time which you have given to us. So it was a wonderful session for us also and for our coming creators as well. So thank you very much sir, thank you. Thank you Vice Principal sir, and as well as thank you to each one who have attended this session. I hope you people will have got a very good reality check, and all the very best to each one of you. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank Bye. You. Bye. Thank you, sir. Thank you.